हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी क्लूज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा। आज हम देखेंगे G20 के माटेरा डिक्लेरेशन के बारे में। G20 के फॉरेन मिनिस्टर की रिसेंटली मीटिंग हुई माटेरा में, इटली में, जहां पे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का वेलफेयर, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी, इन सब चीजों पे कंसर्न जताया गया। तो इस पे एस जयशंकर साहब बहुत खुश हुए। उनका ये मानना है कि माटेरा डिक्लेरेशन में इंडियन के जो पुअर और मिडिल फार्मर्स हैं उनका कंसर्न देखा गया है। आगे देखते हैं क्या हुआ। इटली में ये मीटिंग हुई है। ये पहली ज्वाइंट मीटिंग है G20 के फॉरेन अफेयर्स और डेवलपमेंट मिनिस्टर की। इसके पहले ऐसा कोई ज्वाइंट मीटिंग फॉरेन मिनिस्टर का G20 के नहीं हुआ था। और इसका मेन मुद्दा क्या था, मेन उद्देश्य ये था कि COVID-19 पैंडेमिक के बाद से लोगों का लाइवलीहुड जैसे इफेक्ट हुआ है, फूड चेन जैसे इफेक्ट हुआ है, हंगर की जैसे चांसेस बढ़े हैं, उनको क्या करना, एड्रेस करना और एडिक्वेट न्यूट्रिशन फॉर ऑल प्रोवाइड करना, जो कि जीरो हंगर गोल 2030 के रेजोनेंस में। जीरो हंगर किससे रेजोनेंस में है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG जो है उससे रिलेटेड है अपना जीरो हंगर। बहुत लोगों को G20 के बारे में ऑलरेडी पता होगा, अगर कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, G20 क्या है, ऐसे इन्फ्लुएंशियल ब्लॉक है जो मेजर इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड को जोड़ता है। इसमें क्या है, 19 कंट्रीज हैं और साथ में एक मेंबर क्या है, EU है, मतलब यूरोपियन यूनियन है। 19 कंट्रीज कौन सी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, कैनेडा है, US है, मेक्सिको है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, टर्की, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान में रखने वाला बात यह है कि अगर आप इनको कॉन्टिनेंट वाइज याद रखोगे तो आपको इजिली ये याद रहेगा, वरना याद होने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। इनको आपको याद रखना है। इस पे क्वेश्चन अभी प्रीलिम्स 2020 UPSC में ही पूछा गया है और बहुत लोग उसको गलत करके आए। तो ये रहा वो क्वेश्चन, आप देखो क्या आप इसको सही कर पा रहे हो, और जो सही कर पा रहे हो तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने ट्वीट करके क्या बताया, इटली में जो मटेरिया डिक्लेरेशन हुआ उसको अप्रिशिएट किया फूड सिक्योरिटी को हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि ग्लोबली फूड सिक्योरिटी एक कंसर्न कोविड के बाद से और बड़ा हो गया। पहले से तो कंसर्न था ही, और साथ में इंडियन का कंसर्न, इंडियन फार्मर्स का, स्मॉलर मार्जिनल फार्मर्स का, मीडियम फार्मर्स का भी ये कंसर्न है कि एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी को बढ़ाया जाए। डाइवर्सिटी का मतलब अगर कोई ज्वार, बाजरा, ऐसे मिलेट रोप रहा है, बो रहा है, तो उस डाइवर्सिटी को अगर बढ़ाया जाएगा तो इनका कंसर्न एड्रेस होगा, इनको भी उचित दाम मिलेगा, प्राइस मिलेगा, और इनका जो गरीबी है, पावर्टी है, वो काफी हद तक दूर होगा। तो ये एस जयशंकर साहब का कहना है। ये पूरी मीटिंग जो थी माटेरा डिक्लेरेशन की, मेनली फूड पे, न्यूट्रिशन पे ही कॉन्सेंट्रेटेड थी। अब फूड न्यूट्रिशन और क्या करेगा, पॉवर्टी एलिवेशन का काम करेगा, उसके अलावा क्या होगा, सस्टेनेबल फूड सिस्टम से हंगर खत्म होगा और इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा। तो ये आपके GS पेपर 3 में इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पढ़ना है। तो अगर ध्यान से आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आप यूज कर पाओगे मेंस के आंसर राइटिंग में। माटेरा डिक्लेरेशन ने क्या बोला कि अगर पॉवर्टी एलिवेशन, फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल फूड सिस्टम को हम डेवलप करते हैं, इनको रिकॉग्नाइज किया, तो उससे क्या होगा, इनको इम्प्लीमेंट करने से वुमेन और यूथ की भी एम्पावरमेंट आएगी। साथ साथ से क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, जो एग्रीकल्चर के आउटपुट पे इफेक्ट डाल रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट होगा तो एग्रीकल्चरल आउटपुट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, चाहे बहुत ड्राउट आ जाए तो कम हो जाएगा, फ्लड आ जाए तो कम हो जाएगा, हीट वेव बहुत ज्यादा आ जाए तो कम हो जाएगा। तो इनको एडाप्ट करने की जरूरत है, ऐसे क्लाइमेट रेजिलिएंट जो वेरिएबल्स हैं फूड चेन के, उनको यूज करने की जरूरत है। इसका इन लोगों ने संज्ञान लिया, आप ये बोल सकते हो। साथ साथ में फूड सिक्योरिटी के लिए क्या जरूरी है कि फूड ट्रेड ओपन रहे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सीमलेसली फूड का ट्रेड होता रहे, जिससे कि फूड जो वैल्यू चेन है वो क्या हो, वो हैम्पर नहीं हो, डाइवर्सिफाइड रहे और सेफ और फ्रेश न्यूट्रिशियस फूड सब किसी के लिए अवेलेबल होता रहे। ये बात इन्होंने कही। इन्होंने ये भी बोला कि ये लोग ऐसा प्लेज लेते हैं कि ये लोग नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम को बढ़ावा देंगे,
जो WTO रूल्स के अकॉर्डेंस में हो। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्रेड को पूरे वर्ल्ड में फैसिलिटेट करता है। इसने कुछ रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं उस ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए, जिससे कि ट्रेड का डिस्टॉर्शन ना हो पाए। तो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ये लोग ट्रेड को बढ़ावा देंगे, जिससे मार्केट प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ेगी। किसकी? फूड आइटम्स की। जैसे मान लो अभी आप जो मस्टर्ड ऑयल है कैसे खरीद रहे हो, ऑलमोस्ट 200 रुपी लीटर पहुंच गया है, 180 प्लस मैक्सिमम जगह पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, और ये ट्रेड अगर हमेशा फैसिलिटेट होता रहा हर एक कंट्री से, तो ये प्राइसेस क्या रहेंगी, कम रहेंगी और सबको एक्सेसिबल रहेगा। तो मार्केट प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए ये जरूरी है कि इसकी प्राइस कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी, कि एक प्रॉपर ट्रेड क्या होता रहे, फंक्शन होता रहे, प्रॉपर ट्रेड सिस्टम फंक्शनिंग में रहे, जिससे कि फूड सिक्योरिटी आ पाएगी, ठीक है। ये सारी बातें हमें गई, साथ साथ में फूड प्राइस की जो वोलेटिलिटी है उसके अगेंस्ट ये लोग क्या लेंगे, मेजर्स लेंगे। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह है, मान लो कोई कंट्री है जैसे मेक्सिको, वो इंडिया में कनोला ऑयल भेजने से रोक रही है, एक मस्टर्ड ऑयल जैसा ही कैनोला ऑयल होता है, तो वो अगर भेजने से रोक रही है, कुछ रिस्ट्रिक्शन ऐसे लगा रही है जिससे कि यहाँ आने पर उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, कुछ डिस्टॉर्ट हो रहा है मार्केट, तो ऐसे फूड प्राइस वोलेटिलिटी के अगेंस्ट में वो लोग क्या करेंगे, स्टेप लेंगे, ऐसा ये लोग प्लेज करते हैं, जिससे कि जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, स्पेशली वल्नरेबल मतलब गरीब तबके के जो लोग हैं, उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा सके। तो पूरा जो डिक्लेरेशन है वो फूड सिक्योरिटी, कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी और पुअर पॉपुलेशन में जो हंगर है, उनका न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज करना है, उसको रिलेटेड केंद्रित रहा, ठीक है। इस लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हमारे कोर्सेज पे स्पेशल 20% डिस्काउंट है, दौड़ के ले लो अगर अभी तक लिए नहीं हो। हमारा नया चैनल जो है वनडे एग्जाम्स के लिए, उसको सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद।